है पहली स्नो हमारे न्यू घर में, तो ये सब करना पड़ा। देखो 10 सेंटीमीटर स्नो थी, क्लीन करी अभी, अभी ये क्लीन करनी है। देखो वाओ, तुम्हें तो मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, करो क्लीनिंग, करो आगे आके। You can do it, you are doing good job. ये दिखाती हूँ मैं आपको आसपास कितना मस्त लग रहा है। ये देखो, और ये हमारे जो सोलर लाइट्स हैं उसके ऊपर भी स्कूप्स बने हुए हैं आइसक्रीम के, बहुत मस्त लग रहा है। अभी भी गिर रही है, पूरा दिन गिरने वाली है शायद आज। सफाई वाई करके अब चले हैं एक ट्रिप पे। मनप्रीत को बड़ा शौक है ये स्नो में ड्राइव करने का, और गाड़ी थोड़ी स्किड हो रही है थोड़ी बहुत, बिकॉज बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है। पर खाली हम ऐसे गेड़ी मारने नहीं जा रहे, हमें वो फ्लूइड वायर लेना है इसका। गाड़ी का कौन सा फ्लूइड होता है? विंटर एंटी फ्रीज होता है। सो विंटर में जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, लेट से बिलो जीरो चला जाता है, तो गाड़ी में नॉर्मल आप पानी नहीं डाल सकते, स्पेशल टाइप का पानी उसमें केमिकल वाला डालना पड़ता है जिससे फ्रीज नहीं होता। अगर -10 -20 होता है जब टेम्परेचर, सो वो जिस टैंक में पानी आप डालते हो, फ्लूइड डालते हो, वो पूरा जम जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, सारे पाइप जो भी है फट सकते हैं, इसलिए वाटर फ्लूइड वाला एंटी फ्रीज वाला डालना होता है। तो वो ले लेते हैं फटाफट, और इसको थोड़ा स्नो में ड्राइव भी करना है, मजे कर लेंगे। ट्री अभी हमने निकाला है, वो हम अभी लगा लेंगे जाके, क्रिसमस ट्री। तो अब आई थिंक टाइम आ गया है कि दिसंबर और क्रिसमस को हम एंजॉय करें, क्रिसमस ट्री लगाएं, स्नो एंजॉय करें। थोड़ा सा आपको शॉट दिखा दूं, इतना मैजिकल लग रहा है फॉलिंग स्नो का जो मजा ना, वो गिरी हुई जब गंदी हो जाती है उसमें नहीं आता। तो अभी प्रॉपर पूरा दिन स्नो पड़नी है, एंड आई थिंक ये फर्स्ट स्नो है इस सीजन की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो रिस्की होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जैसे स्नो पड़ती है यहाँ पे स्नो ट्रक्स आते हैं, वो क्लीन कर देते हैं पूरी रोड्स को, जो मेनली हाईवेज होते हैं, जो अंदर जो हमारी गलियां होती हैं वहाँ वो सफाई करते हैं। सो विच इज सो गुड कि आपको थोड़ा सा सेफ रहता है, इवन तो आपके विंटर टायर्स होते हैं, बट फिर भी देयर इज अ चांस कि आपकी जो कार है वो स्किड हो सकती है। आइडियली जब बिल्कुल स्नो पड़ के खत्म हो जाती है तब आते हैं सारे स्नो ट्रक जो साफ करते हैं स्नो को, स्नो रिमूवल ट्रक जो होते हैं। बट अभी मैं देख रहा हूँ जैसे अभी स्नो पड़ रही है, शाम तक पड़नी है, लेकिन वो पहले ही आगे मेरे को एक स्नो ट्रक दिख रहा है, आपको दिखाते हैं, वो पहले ही ये पूरा हाईवे साफ कर गया है। सो ये तब करते हैं जब बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है। सो सुबह से स्नो पड़ रही है, इतनी ज्यादा हो गई है, 10 सेंटीमीटर तक पड़ गई है, तो इसलिए वो पहले ही आ गया। अदरवाइज वो पूरा स्नो वेट करते हैं, जब रुकती है तभी क्लीन करते हैं। तो आगे वो कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया, दिखाऊं। सो राइट और लेफ्ट में इतनी ज्यादा स्नो है, इतनी ही स्नो थी सड़क पे भी, बट वो देखो क्लीन कर दिया उसने। ये आगे ट्रक जो है दिख रहा है, तो आपको दिखा भी देते हैं कैसे क्लीन करता है ये, और जा भी उसी साइड रहा है जहां हमने जाना है। तो और आपको आगे दिख रहा होगा गाड़ियां बहुत स्लो स्लो जा रही हैं, बहुत गैप बना के जा रही हैं। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ कि कैसे मतलब स्नो स्टॉर्म में गाड़ी चलानी चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी टिप है कि बहुत ज्यादा गैप रखना चाहिए, बहुत धीरे चलानी चाहिए, और ब्रेक जो मानी चाहिए बहुत धीरे धीरे ब्रेक मानी चाहिए, अदरवाइज ब्रेक लगती नहीं है। चाहे आप विंटर टायर भी लगा लो, इतनी ज्यादा अगर ब्लैक आइस हो रही है, स्नो ज्यादा हो रही है, तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती। वो देखो साफ कर रहे हो, दिखाओ। मतलब पूरा इनका रूट बना होता है कि इस रूट पे जाके पूरा साफ करना है। सो एंड वो ये कि ऐसे टाइम पे अपना थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, बीट आपकी गो ट्रेन है, बीट आपको कहीं जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट है, सो थोड़ा सा बफर लेके निकलो हमेशा। सो दैट इज लाइक, वो तो नॉर्मली भी होना चाहिए, बट इस टाइम पे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। सो इट इज गुड के आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। वो देखो देखो आगे गाड़ी खड़ी हुई है, और ये पूरा स्नो क्लीन करके राइट साइड में फेंक रहा है वो। सो इसलिए सड़क पे विंटर में पार्क नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये होता है, मतलब उसकी बच गई है गाड़ी, अदरवाइज पूरी स्नो में मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में। कुछ उसके शायद बंद बंद होगी, पूछ लेते हैं। ओके ओके ओके, यू नीड हेल्प? थैंक यू। ओके, अब जैसे आपको दिख रहा होगा राइट जिस पे हम चल रहे हैं, राइट वाली रोड क्लीन है बिल्कुल, और लेफ्ट वाली पे स्नो है अभी। सो राइट वाली वो हमारे आगे जो ट्रक है वो क्लीन करता हुआ जा रहा है। सो दैट इज सो गुड कि अभी स्नो पड़ी है 3-4 घंटे पहले, और साफ भी कर दी है, अदरवाइज ड्राइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ये जो बंदा आपने देखा था स्नो शॉवल से जो कर रहा है, ड्राइववे से हटा रहा है स्नो, ये अभी स्नो में ही कर रहा है, राइट? आप सोच रहे होगे कि इसको इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब स्नो बंद हो जाएगी तब वो कर लेगा साफ। लेकिन अगर ये एक बार हार्ड हो गई और एक बार अच्छे से ब्लैक आइस बन गई, और इसको बहुत टाइम हो गया स्नो को ड्राइववे पे पड़े पड़े, बहुत हार्ड हो जाती है, फिर निकलती नहीं है ये। एक और देखो, एक और बंदा कर रहा है। हाँ ऐसे ही करते हैं,
और सॉफ्ट सॉफ्ट में जितनी निकाल लो उतना सही रहता है। सो इसलिए सारे देखो सॉफ्ट स्नो निकाल रहे हैं, राइट में भी तुम्हारे निकाल रहे हैं। सो ये प्रैक्टिस यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी हरामखोरी कम करोगे और स्नो स्नो में कर लोगे ना, बहुत टाइम बचता है। अदरवाइज ड्राइववे पे पूरा आइस हो जाता है, वो हटती नहीं है। ये सॉफ्ट वाली स्नो है, जैसे कौन सी वाली स्नो है, सॉफ्ट वाली नॉर्मल स्नो? नहीं, नॉर्मली तुमने क्या बोला था वहां पे? काले खट्टे वाली, काले खट्टे वाली क्या? गोला, गोला बर्फ का गोला, बर्फ का गोला, बहुत सॉफ्ट है। तो बट हम भी हरामखोरी कर रहे हैं, अभी हम बाहर निकले हुए, हमें जाके क्लीन करनी चाहिए आइडियली। नहीं तो जाते ही हम क्लीन कर लेंगे। अदरवाइज एक टिप होती है कि कई लोग क्या करते हैं, ड्राइववे पे अगर उनके पास दो गाड़ियां हैं तो ड्राइववे पे खड़ी कर देते हैं। सो जो ड्राइववे पे स्नो गिरनी होती है वो गाड़ी भी गिर जाती है और गाड़ी से साफ करके वो हटा लेते हैं, बिकॉज ड्राइववे से स्नो क्लीन करना डिफिकल्ट है और गाड़ी के ऊपर से स्नो साफ करना ईजी है। सो इंस्टेड ऑफ पार्किंग देयर कार इन गैराज, वो ड्राइववे पे कर देते हैं दोनों गाड़ियां और ईजिली स्नो क्लीन हो जाती है। सो ये भी टिप फॉलो करते हैं, गैराज में सामान स्टोर कर लेते हैं हमारी तरह, हमारी तरह पूरा। बट हाँ, ये एक और ट्रिप टिप है कि जब आप स्नो पड़ रही हो स्पेशली, तो हमेशा अपनी एंट्री गैराज से रखो, सो दैट जो भी आपकी स्नो वगैरह के शूज में लगी होती है, जो गंदगी होती है, वो आप गैराज में पूरा क्लीन करके एंड देन आप एंटर करो। तो अब हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अपना जो शू वाला सेक्शन है वो सारा उधर रख दिया है गैराज में, सो विच इज गुड। नहीं तो पूरा घर साफ करना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं आपको ट्रक, कितनी ज्यादा स्नो है यार, कितनी वो राइट में कितनी ज्यादा फेंक रहा है, देखो और जो वो ट्रक साफ कर रहा है स्नो, वो नीचे सॉल्ट भी फेंकता हुआ जाता है रोड पे। तो जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं अभी इस रोड पे, उनके नीचे पूरा सॉल्ट लग जाता है जो कि गाड़ी को डैमेज करता है। इसलिए विंटर में नीचे से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो वॉश जो कराते हैं गाड़ियां अपनी विंटर में, वो इसलिए जल्दी करानी पड़ती है, बिकॉज नीचे से वो अगर सॉल्ट लगा रह जाएगा बहुत टाइम तक तो गाड़ी डैमेज होती है। या फिर आप कोई प्रोटेक्टिव पेंट वगैरह कुछ केमिकल नीचे करवा सकते हो उसमें ट्रीटमेंट, अदरवाइज विंटर में प्रेफरेबली आपको गाड़ी बहुत जल्दी क्लीन करनी पड़ती है, नहीं तो वो पूरा डैमेज हो जाता है सॉल्ट से। एंड हम लोग इंडिया में मजाक उड़ाते थे कि जैसे हम शिमला जाते थे, किसी हिल स्टेशन जाते थे, तो वहाँ पे सॉल्ट फेंकते थे, हम कहते थे सॉल्ट से कैसे पिघल जाएगी स्नो, राइट? बट यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि दैट इज ट्रू। एंड हम लोगों ने घरों में भी रखे हुए सॉल्ट, बिकॉज कई बार जब फ्रीजिंग रेन होती है या फिर जब ब्लैक आइस हो जाती है, ब्लैक आइस मतलब पूरी एकदम जम जाती है और गंदी हो जाती है, वो स्लिपरी बहुत होती है, वो बहुत रिस्की होती है। मैं बहुत बार चोट खा चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो वो जो होती है उसके लिए सॉल्ट जरूरी होता है, सॉल्ट उसको पिघलाता है, जो इतनी जिद्दी स्नो होती है ना उसके लिए होता है। सो घर पे भी आप हमेशा रखो एक सॉल्ट की पूरी बड़ी वाली बोरी। सो ये चीजें सारा हमारा स्पेस ले लेती हैं गैराज में, और फिर हम कहते हैं कि स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे विंटर का समर्स का घास काटनी है, उसके लिए सारा सामान रखना होता है, तो सारा स्टोरेज का सामान गैराज में ही जाता है। और यही रीजन है कि लोग गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, बिकॉज गैराज सारा फुल हो जाता है स्टोरेज इन चीजों से, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, तो हमें रखना ही पड़ेगा। एंड ऐसे मौसम में ठंडे स्नो पड़ रही है, ठंडे मौसम में कॉफी पीने का तो मजा ही है ना फिर। एग्जैक्टली, हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट तो ठीक है, टिम हॉर्टन्स चलते हैं फिर। डेडिकेशन देख रहे हो, स्नो में भी लोग रनिंग कर रहे हैं। हमारे बहाने होते हैं यार, ऑफिस से थक गया, घर पे बैठे बैठे थक गए, मतलब ये एक्सक्यूज भी मारते हैं। और जिसने रनिंग करनी होती ना, स्नो में भी कर रहे हैं। मैंने दो बंदे को देखा है, वो स्नो में कर रहे हैं रनिंग और एंजॉय कर रहे हैं मौसम। मतलब कुछ सीखना चाहिए हमारे जैसे अनहेल्दी लोगों को इससे। हम क्या कर रहे हैं, हॉट चॉकलेट कॉफी ये सब पी रहे हैं। शर्मिंदा ना करें हमें तो, कैंसिल कॉफी नहीं, भूख तो लगी है, खा लेते। सो जैसे हमने बहुत वीडियो में बताया हुआ है कि कनाडा में ड्राइव थ्रू बहुत ज्यादा होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इस टाइम पे कोई स्नो के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करके फिर अंदर मैकडॉनल्ड्स में जाके नहीं खाएगा या फिर प्रेफर नहीं करेगा कि वो स्नो के अंदर चल के जाए, इसलिए ड्राइव थ्रू होते हैं। अब क्या होगा, सीधा ड्राइव थ्रू से हम ऑर्डर करेंगे और ड्राइव थ्रू से हमें खाना मिल जाएगा, बाहर उतरने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं, मेरे ख्याल से भीड़ होगी ड्राइव थ्रू में। एंड आई थिंक इंडिया में बहुत जगह ड्राइव थ्रूज हैं, बट जैसे एटीएम्स हैं, वो मतलब हमें यहाँ बहुत नई चीज लगी थी कि आप एटीएम भी ड्राइव थ्रू है, आप वहां जाके मतलब आप पैसे निकलवा सकते हो, आपको उतरने की जरूरत नहीं गाड़ी में से, स्पेशली अब स्नो स्टॉर्म आ रहा हो और बहुत ज्यादा मतलब फ्रीजिंग रेन हो, तब बहुत बेनिफिट होता है इन चीजों का। एंड लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा होती है। क्या खा रहे हैं हम?
भाई मैं तो नॉन वेजिटेरियन, मेरे तो चिंता ही, तुम बताओ वेजिटेरियन तुम्हें दिक्कत होती है। डू यू हैव एनी वेजी बर्गर, टू मीडियम रेगुलर कॉफी। मैंने बोला था ना वेजिटेरियन का मुश्किल होता है ऑर्डर करना, मैंने अपना तो आराम से कर दिया, जो मेरे को चाहिए चिकन बर्गर एंड ऑल। वेजिटेरियन के लिए स्पेशली चिकन बर्गर है, उसमें से मीट हटवा दिया और सेम रेट सेम प्राइस, ये होता है वेजिटेरियन का मील। एंड मैं फिर भी एग खा लेती हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एग भी नहीं खाते, तो उनके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। बट इट्स नॉट के दिक्कत है, ये तो मैकडॉनल्ड्स का है कि यहाँ पे नहीं होती ऑप्शंस, बट बहुत ज्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ पे लोग वीगन बहुत ज्यादा हैं, तो वीगन जो होते हैं वो तो चीज भी नहीं खाते, राइट? तो वेजिटेरियन मील मिलने में कभी दिक्कत नहीं होती है, तो जो वेजिटेरियन है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप फ्रेंच फ्राइज खा लो, है ना, आप ऐसे गुजारा कर लो नहीं, बट बहुत वेज के बहुत ऑप्शन है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। जो वेजिटेरियन मेरे दोस्त मेरे भाई बहन यहाँ आने का सोच रहे हैं और उनको टेंशन है कि यहाँ नहीं मिलता, वीगन इज लाइक वेरी फेमस और हर रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ वेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी, आगे हमारी कॉफी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सो यहाँ पे क्रिसमस की जो तैयारी होती है बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो आप जो कप्स देखोगे ऐसे कॉफी के, हर जो कॉफी ब्रांड बी इट मैकडॉनल्ड्स बी इट टिम हॉर्टन, सब जगह पे ये ऐसे मैजिकल से विंटर थीम वाले कप्स आने शुरू हो जाते हैं, तो अच्छे फील आती है, मतलब पूरा ना मैजिकल सा फील हो रहा है। जैसे आसपास देखो आप पूरा सब वाइट हो रखा है, वेरी नाइस। बट स्नो साफ करने के अलावा बाकी सब बढ़िया, और गिरने के अलावा और विंटर में कैसे गिरने से बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उन सब का वीडियो हमारे चैनल पे है, जरूर चेक करना। और विंटर मेरा फेवरेट सीजन है एक रीजन की वजह से, मे बी आपका भी रीजन हो, क्योंकि विंटर में आपका सारा फैट छुप जाता है जैकेट के अंदर, आप पहन लेते हो स्वेटर जिपर्स जैकेट पहन लेते हो, फिर जैसी गर्मियां लगती फिर मैं सोचता हूँ यार समर के लिए थोड़ा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा वेट लूज कर लेते हैं, वो पूरा समर निकल जाता है, लेकिन वो मंडे नहीं आता जब जिम जाना होता है, और पूरा समर निकल जाता है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट विंटर आ जाती है, फिर हम जैकेट पहन लेते हैं, फिर अब ठीक है, अब क्या, अब तो छुप ही जाएगा फैट, मतलब ये 2 साल से हो रहा है सीरियसली। ये देखो ये फ्राइज खाते खाते बताया जा रहा है, ये शर्म भी नहीं आ रही नहीं हम दोनों के लिए एक्चुअली। सो आगे से अब समर आने से पहले हमें पतला होना है, फ्राई देना एक फ्राई देना, समर अभी खा लो नहीं यार ठंड में तो यार भूख लगती है। समर में फॉर श्योर, मतलब नेक्स्ट विंटर में मेरा ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि जैकेट पहन लिया तो फैट छुपाना, जैकेट पहनेंगे ठंड के लिए, फैट छुपाने के लिए नहीं पहनेंगे। ये देखो नो एक्सक्यूजेस, स्नो में भी लोग रनिंग कर रहे हैं और हम देखो दिखाना जरा मैं क्या कर रहा हूं हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड चिकन बर्गर खा रहे हैं। अरे आंटी मत करो, शर्म आ रही है मेरे को, छोड़ दो ये, फेंक दो ये, ये बर्गर छोड़ दो, मैं चिकन नगेट और ये बर्गर खा रहा हूँ आंटी, स्नो में रनिंग कर रही है भाई, स्नो में शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुम्हें तुम्हें। चलो कैमरा बंद करो, मैं फेंक रहा हूँ उसको, नहीं खा रहा, बंद करो, शर्मिंदगी होती है तब भी जिम नहीं जा रहा मैं यार, जिम जा नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है, कितनी बार मन एक्सक्यूज है। मेरा ये कहना है कि जिसने वर्कआउट करना है जिसने फिट रहना है ना वो घर पे भी कर लेगा, तो ये सब माइंडसेट होता है। मैं मेंटली रेडी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मोटिवेशन नहीं आ रही देखो इसकी मोटिवेशन आ रही है मोटिवेशन नहीं आ रही, कोई नहीं घर पे शुरू करते हैं, योगा से शुरुआत करते हैं। आप लोग कैसे फिट रह रहे हो घर में हमें बताओ कुछ टिप्स, तो सो देट हम भी पतले हैं और हम नए कपड़े खरीदे और हम नए नए कपड़ों में आए नए वीडियोस में, सो देट आपकी शिकायत ना होगी हम सेम कपड़ों में आते हैं। अभी खा ले फ्राइज, थोड़ा सा बाहर मजे लेके आते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा। वाओ लुक एट दैट भाई, गरम गरम कॉफी पी रहे हैं। मनप्रीत को ज्यादा शौक हो रहा है कि स्नो में हमें चलना है, फर्स्ट स्नो में ही ऐसा हो रहा है, उसके बाद इसका बिल्कुल मन नहीं करेगा जब कीचड़ वीचड़ हो जाएगा ना, क्या क्या मजा आ रहा है तुम्हें इसे चलने में। यार 3 साल हो गए हैं बट अभी भी ना जब ये फॉलिंग स्नो होती है ना इसका जो मजा है ना कुछ और ही बात है उसकी, और अभी ये देखो बिल्कुल कितना अमेजिंग लग रही है ऐसी गिरती हुई स्नो, थोड़े साल इंजॉय कर लेते हैं उसके बाद डिप्रेसिंग हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट अभी तो मुझे हर बार बहुत मजा आता है जब भी मैं ऐसे स्नो गिरती हुई देखती हूँ, तो देखना जरा कितनी कितना अंदर 10 सेंटीमीटर बोला था ना, एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर अभी नहीं हुआ है। चलो आप खराब करो स्नो, अपने पैरों के कदमों के निशान छोड़े आप, जरा कहाँ चले गए ये क्या किया आपने, मैं दिखा रहा हूँ इतनी स्नो है, द बिग फुट, इसलिए जरूरी होते हैं स्नो बूट्स बड़े वाले। हाँ यार वाह, एंड बहुत सारे लोगों की फर्स्ट सीजन की स्नो होगी तो इन्जॉय करो,
ठंड वंड का ध्यान रख के प्रॉपर जैसे हमने गियर्स पहने हैं वैसे पहन के बाहर निकलो, बट ये टाइम में यार एंजॉय कर लो थोड़े दिन, है ना, फिर तो अंदर रहना ही है। फिर तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी क्योंकि ये जो नवंबर दिसंबर बिगनिंग वाली जो स्नो होगी ना इसमें ज्यादा ठंड नहीं होगी, उसके बाद तो जैन वाली जो होगी ना बाहर भी नहीं निकल पाओगे। और ये मैं नॉर्मली नोटिस किया कि जब स्नो पड़ती है तब इतनी ठंड नहीं होती, वैसे बहुत विंडी होता है बट इस टाइम नहीं है ठंड ज्यादा। स्नो से पहले ठंड होगी, स्नो के बाद होगी, स्नो जब पड़ रही है ना तब कम होती है ठंड। हाँ, एंड बहुत सुंदर लगता है आसपास सब कुछ वाइट वाइट, वेरी नाइस। चलो अब कॉफी पीते हैं अंदर जाके, ठंड लग रही है। बस बस हो गया शॉक पूरा यार, मेकअप खराब हो रहा है सारी आंखों में ना, पांच मिनट में स्नो जा रही है आंखों में तो मेकअप खराब हो रहा है थोड़ा सा। ये कोई भाई साहब जा रहे हैं जो कि रेस टू के बहुत बड़े फैन है, जिन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर ही रेस टू लिखा हुआ है, रेस टू लिखा हुआ। और इतने इसने एक इतनी बड़ी स्टुपिडिटी कर रखी है, गाड़ी की छत पे इसके स्नो है। सो ठीक है, वो मैंने पहले भी गाड़ी में बताया है कि होनी चाहिए क्योंकि जब ये ब्रेक मारेगा ना इसकी सारी स्नो विंडशील्ड पे आ जाएगी और इसको दिखेगा नहीं कुछ भी आगे का। तो ऐसे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। सो ऐसे ना टिकट भी मिलती है, अगर पुलिस ने रोक लिया तो वो आपको टिकट भी दे सकती है अगर आपके इतनी सारी स्नो है गाड़ी के ऊपर। एक रीजन तो ये है कि ब्रेक मारेगा तो इसके आगे विंडशील्ड पे जाएगा। सेकंड रीजन ये है कि अगर ये उड़ के गाड़ी मतलब तेज हवा से उड़ के पीछे वाले की विंडशील्ड पे भी आ गया ना, तो अगर हार्ड आइस हुई तो विंडशील्ड टूट जाती है उसके पीछे वाले की। सो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है ऐसी गाड़ी के पीछे जिसके ऊपर स्नो है, कभी भी आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए उसके पीछे। एंड आई थिंक जब उड़ के आएगी तो ये भी हो सकता है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो एकदम से आपको दिखना बंद हो जाए और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो अपनी गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप विंडशील्ड साफ करते हो, आप पीछे साफ करते हो, आप ऊपर से भी पूरी स्नो हटाया करो ऑलवेज। सो आई एम ऑलवेज मेक श्योर कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ आगे से मैं स्नो हटा रहा हूँ, मैं ऊपर से भी हमेशा हटाता हूँ। मतलब पूरी गाड़ी आपको एक्चुअली में साफ करनी चाहिए, अदरवाइज आपका चलान कट सकता है, आपको टिकट मिल सकती है। जब चलान से ज्यादा ये है कि सेफ्टी देखो ना, अपनी देखो, अपने साथ जो ड्राइव करें उनकी देखोगे, किसी और के लिए ये नुकसान हो सकता है, राइट, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। मैकडोनल्ड्स वगैरह खा लिया, सब घूम फिर लिया, लेकिन जो मेन काम करना था वो तो करा नहीं है। एंटी फ्रीज जो वाइपर फ्लूइड है वो तो ले लेते हैं। सो मैं गैस स्टेशन पहुंचा हूं, दो कैन ले लेता हूं, दो कैन इनफ होंगे। दो कैन ले लिए हैं और $10 के आसपास के थे दोनों, पेट्रो कैनेडा से। बट अगर आपके पास पेट्रो कैनेडा का कार्ड है जो कि एक गैस स्टेशन है यहाँ पे, सो जैसे जैसे आप गैस फिल कराते हो ना आपके पॉइंट्स उसमें ऐड होते रहते हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट 23,000 पॉइंट्स थे, विच मींस मैं उसको रिडीम अगर कराऊं तो $23 बनते हैं। सो मेरे को पे नहीं करना पड़ा, $11 उसी में से डिडक्ट हो गए, पॉइंट्स में ही मेरे को दो वॉशर फ्लूइड मिल गए। सो गैस भी आप भरवा सकते हो, आप कार वॉश भी करवा सकते हो। सो किसी भी एक गैस स्टेशन का आप बनवा लो और उसी से गैस फिल करवाओ, रिवॉर्ड आपके इकट्ठे होते रहते हैं। So, ऐसे बेनिफिट होता है जैसे मुझे अब दो फ्री मिल गए, काइंड ऑफ फ्री है। चलो और स्नो में गाड़ी चलाने की कुछ टिप्स हैं। सो पहला टिप जो मैंने अभी लिया है कि हाईवे पे कम से कम गाड़ी चलाओ, बिकॉज हाईवे पे सबसे ज्यादा अनकंट्रोल होती हैं गाड़ियां और एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। सो अगर आपको कोई ऑल्टरनेट रूट मिले, चाहे थोड़ा सा मतलब ज्यादा लंबा पड़े आपको या फिर थोड़ा सा टर्न ज्यादा उसमें हो, सो वो ले लो, बिकॉज वहां पे गाड़ियां स्लो स्पीड में चलती हैं, अनकंट्रोल कम होती हैं और एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होते हैं। सो मैं हाईवे पे चला रहा था, मुझे पता है कि अगर कोई गाड़ी ब्रेक नहीं मार पाएगी तो सीधा एक्सीडेंट होंगे वहां पे। सो कम से कम हाईवे पे गाड़ी चलाओ स्नो में। और जो गाड़ी स्किड होती है आपकी टर्न पे होती है, टर्न पे बहुत धीरे धीरे स्पीड कम रख के टर्न करो, और आपकी स्किड होती है जब आप ब्रेक मार रहे हो। सो अगर आपको पता है आगे रेड लाइट पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बिल्कुल एंड पे जाके ब्रेक मत मारो, बिल्कुल स्लो पहले तो चलाओ, धीरे धीरे दूर से ही ब्रेक मारना शुरू कर दो धीरे धीरे धीरे, अदरवाइज एकदम से ब्रेक लगती नहीं है। तीसरा जो आपको स्किड होती है गाड़ी, आपकी स्टैंड स्टिल है गाड़ी बिल्कुल रेड लाइट पे, जब आप उसको चलाने लगोगे गाड़ी को स्किड होती है वहां पे, एकदम से स्पीड नहीं बढ़ती। सो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनकंट्रोल होती है आपकी। तो ये बंदे को आपने देखा, ये स्नो ब्लोअर से चला रहा है, जैसे पहले देखा था वो स्नो शॉवल से बंदे उठा रहे थे सारी स्नो ड्राइवर से, और ये बंदा स्नो ब्लोअर से चला रहा था। वो मशीन होती है उससे ज्यादा जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो अगर आपका ड्राइवे बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा आपको स्नो उठानी है, तो स्नो ब्लोअर भी यूज कर सकते हो। हमारी फर्स्ट ये विंटर होगी जिसमें हमें ये सारा ड्राइवे से स्नो वगैरह हटानी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट टाइम तो बिल्डर ही हटा देता था बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। So, इस साल देखते हैं, अभी जाके सफाई कराते अभी जाके स्नो शॉवल से हटानी पड़ेगी।
और अगर मुझे लगा कि यार मुश्किल है और ज्यादा बड़ा ड्राइववे है, ज्यादा करना पड़ रहा है, तो फिर नेक्स्ट ईयर स्नो ब्लोअर ले लेंगे, वो देखते हैं इस साल पता चल जाएगा चाहिए कि नहीं चाहिए हमें। एंड आई थिंक यहाँ पे एक रूल होता है कि जो वॉकवे अगर आपके घर के बाहर, तो आपको वहां से जरूर चेंज करनी पड़ती है स्नो, इरिस्पेक्टिव कितनी भी ठंड हो, क्योंकि वहां पे लोग चल रहे होते हैं, कोई गिर गया आपके घर के बाहर तो दे कैन फाइन यू, द गवर्नमेंट कैन फाइन यू फॉर दैट। सो ये एक थोड़ा सा है, और इसलिए कई लोग प्रेफर करते हैं कि उनके घर के बाहर वॉकवे ना हो, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें इतना अच्छा घर मिल रहा था विद वॉकवे मिल रहा था, तो क्या करें। अब चलो तो हटाते हैं, चल के बात करके हटाते हैं, उठाते हैं फावड़े। गाड़ी ड्राइव पे चढ़ा रहा हूँ मैं, और चढ़नी नहीं देखते, मतलब इतनी ज्यादा स्नो है, देखो यहाँ पे दिखाओ कितनी स्नो है, इतनी ज्यादा स्नो है ड्राइवे पे, स्पोर्ट्स मोड पे डाल के भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चढ़ नहीं रही है ऊपर। धक्का मारो धक्का मारो जब तुझे ट्राई करते, थोड़ा पीछे करके ध्यान से पीछे, थोड़ी सी जब हम निकले थे कम थी स्नो, अब बहुत ज्यादा हो गई है, आई थिंक हटाना पड़ेगा पहले स्नो ना हमें साइड से। और ऐसे जब आपकी गाड़ी स्टक हो जाए, आपको पता है कि सेफ है, तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, वो स्किड होने से बचाता है, तो वो टायर रोटेट करना बंद कर देता है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर मैं ऑफ करूंगा तो सारे टायर घूमेंगे स्पीड से, और तभी हमारी गाड़ी निकलेगी। तो मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऑफ करा, अब निकल गई। एंड उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रैक्शन कंट्रोल वापस ऑन कर दो, बिकॉज वापस जब आप रोड पे जाओगे तो स्किड नहीं होनी चाहिए। अस्त्र उठा लिए मैंने अपने, अब करने चलते हैं, पहली बार कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट करना तो पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया था सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो में हो जाएगा तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर हार्ड हो जाती है, बहुत मुश्किल होगा। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, सही वर्कआउट है, जरूरत नहीं जिम जाने की, बड़ा सही वर्कआउट है एक्चुअली में। अब जितने आराम से इस टाइम हो रही है ना, आई थिंक थोड़ी देर बाद जम जाएगी सारी, एंड कल धूप है तो सारी ये हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। और अगर अपार्टमेंट है आपका, कॉन्डो है, तो ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ फायदा, तो जब नए नए आओ तो अपार्टमेंट में रहो, ताकि ये सारे काम ना करने पड़े। ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो है, और ये हमारे बर्ड्स भी बेचारे स्नो में जम चुके हैं। मनप्रीत को मैंने बोला करके दिखाओ, थोड़ी देर हवा निकल गई इसकी। हाँ चलो बस करो, ज्यादा पतले हो जाओगे तुम, तुम्हारा मैकडी खाया हुआ सारा डाइजेस्ट हो गया। हाँ भैया कितना रह गया काम? अरे भैया बात लग गई, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और चिकन नगेट सब निकल गया। हाँ। ये देखो ये वाली जैसे हार्ड हो गई, ये नहीं निकल रही नीचे वाली ना, करना तो पड़ेगा। एंड इतनी ज़्यादा यहाँ पे अब स्नो इकट्ठी हुई है, इसका हम स्नोमैन बना सकते हैं, वाइट वाइट है जब तक इसमें कीचड़ नहीं जमता सारा, ठीक है। वो जो गाड़ी खड़ी देखो उसका हाल क्या हुआ, स्नो उसने फेंक के मारी है, उसके ऊपर सारी गिरी है, स्क्रैच वगैरह पड़े होंगे, डैमेज हुई होगी। हाँ। इसलिए रोड पे स्नो में गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, और ये वन ऑफ द रीज़न है कि रोड जल्दी ख़राब होते हैं कनाडा में, बिकॉज ये जो होते हैं ट्रक्स, जब ये स्क्रेप करते हैं स्नो साफ करते हैं, डैमेज हो जाता है पूरा रोड, एंड नमक से भी होता है राइट। हाँ, सिर कवर करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, मतलब नॉर्मल अभी ग्लव्स नहीं पहने हुए, बर्दाश्त हो रही है ठंडी, मतलब ऐसा नहीं अब स्नो भी पड़ रही है, कल ज़्यादा होगी मे बी, कल नहीं निकलेंगे, बट इतना नहीं है कि आप बिल्कुल ही सोच रहे हो कि कनाडा में स्नो पड़ रही है हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत इजीली सर्वाइव हो जाता है अगर आपको पता है कि जैकेट्स वगैरह पहननी है, स्नो में ठंड कम होती है, उसके बाद ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वगैरह देख के इट्स मैनेजेबल, एंड लाइफ गोज ऑन। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ स्टॉप हो रहा है, सारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, बी दो ट्रेन बी एट बसेस, सब कुछ टाइम पे चलता है, कुछ स्टॉप नहीं होता स्नो पड़ने से, एंड फावड़ा इज स्टिल ऑन। चले चले हम जम जाएंगे यहीं, चलो मेरी तो कैलरी सारी बर्न हो, और हमारे दिवाली की लाइट्स हैं, वो क्रिसमस की लाइट्स बन चुकी हैं अब, जो कि दिसंबर तक ऐसे जलेंगी। इसको बोला यार हमारी भी कर दे, अब लोगों को ना इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने ड्राइववे वहां पे क्लीन करा है कि गाड़ी आराम से आ जाए, जब ये वाला ट्रक आता है तो सारी स्नो ऐसे फेंक जाता है, देख रहे हो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट कर गई। तो बंदा को बड़ी प्रॉब्लम होती है जो पहले क्लीन करते हैं और फिर ये ऐसे फैला जाता है, और मेरे को फिर से हटाना पड़ेगा। तो ये वाला है वॉशर फ्लूइड जो मैं लेके आया हूँ, गाड़ी में डालता हूँ,
-45 डिग्री तक ये फ्रीज नहीं होगा। सो नॉर्मल पानी तो फ्रीज हो जाएगा और सब कुछ अंदर डैमेज हो जाता है। सो ये वाला -45 तक फ्रीज नहीं होगा। -45 तो जाता भी नहीं है, फिर भी -30 तक ये कुछ डैमेज नहीं है। और ये आप देख रहे हो टायर पड़े हुए हैं, ये विंटर टायर हैं। सो हर सीजन में मैं चेंज कराता हूँ, विंटर सीजन में इस बार थोड़ा लेट हो गए, तो मेरी अपॉइंटमेंट है वीकेंड पे। सो विंटर टायर स्पेशली आपको चाहिए होते हैं विंटर सीजन में, जब आप स्नो में गाड़ी चला रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंश्योरेंस आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप विंटर टायर चला रहे हो, और विंटर टायर में जब आप गाड़ी चलाते हो आपकी स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के कम चांसेस हो जाते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज यूज विंटर टायर इवन इफ यू हैव ऑल सीजन। ऑल सीजन से बेटर ग्रिप ही होती है विंटर टायर की। सो अगर आपकी ऑल व्हील ड्राइव भी है और अगर आपके ऑल सीजन टायर भी हैं, स्टिल गेट विंटर टायर और रिम के साथ लो। रिम के साथ जब आप लेते हो तो जब आप चेंज कराते हो टायर, आप जाते हो शॉप पे तो आपको कम चार्ज करते हैं। अगर आपके पास रिम्स नहीं है सिर्फ टायर्स हैं तो फिर उनको चेंज करने पड़ते हैं रिम्स पर टायर, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो मैंने रिम के साथ ही लिए हुए, दे विल चार्ज मी अराउंड $40-$50 तो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो ऑलवेज गेट विंटर टायर्स। और विंटर में स्पेशली आपके पास और चीज़ें भी होनी चाहिए, एक तो टायर इन्फिल्टर, कभी इमरजेंसी में अगर आपको फिल करनी पड़ रही है टायर में एयर, बिकॉज जब तक आप गैस स्टेशन ढूंढोगे तो बहुत लेट हो सकता है। सो इमरजेंसी के लिए ये होना चाहिए टायर इन्फ्लेटर, इसमें अमेजोन का लिंक मैं दे दूंगा नीचे। और डैश कैम होना चाहिए, अभी मैंने लगाया नहीं था, विंटर आ गई है तो मेरे को लगाना पड़ेगा, बिकॉज विंटर में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और मोस्टली आपकी गलती नहीं होती तब भी एक्सीडेंट होते हैं, तो दूसरी गलती की वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहा है सो ये रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर सब कुछ, और आपको प्रूफ करना होगा अगर इंश्योरेंस कंपनी को या पुलिस को, तो बहुत इजी रहता है इसमें, बहुत 12-14 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो सफाई वगैरह कर रही, थोड़ी ठंड लग रही थी, गाड़ी में आके बैठे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल हमने सर्वाइव कर लिया ये विंटर स्टॉर्म। सो ऐसे ही हम एजुकेशनल वीडियोस और कैजुअल वीडियोस व्लॉग्स इस चैनल पे बनाते रहेंगे। एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे मेन चैनल पे है इंग्लिश में, जहाँ पे ग्लोबल ऑडियंस है। सो कार का भी वीडियो वहाँ पे एक हमने अपलोड किया है, जिसमें हमने बताया कि विंटर में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग इन कैनेडा। सो वो भी चेकआउट करो, इस पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे विंटर से रिलेटेड, विंटर शॉपिंग, विंटर क्लोथिंग, क्या आपको पहनना चाहिए विंटर के टाइम पे सर्वाइव करने के लिए। सो ऐसी कैजुअल और एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे। एंड जिन लोगों की यहाँ पे फर्स्ट विंटर है, काफी एंजॉय करो, प्रॉपर गियर्स पहन के जाओ, जैसे हम अभी बता रहे हैं वीडियोस में कि प्रॉपर कवर होके जाओ बाहर एंड पूरा एंजॉय करो। कनाडा इज ऑल अबाउट स्नो एंड विंटर्स, तो बहुत एंजॉय करो, यू विल हैव फन, एंड फर्स्ट विंटर स्पेशल होता ही है, सो हैव लॉट ऑफ फन विद प्रॉपर प्रिकॉशन। टिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड एंड एंजॉय द स्नो।